नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और हमारा एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं संस्कृत के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और आज का हमारा शीर्षक है संस्कृत में कारक और विभक्ति। और आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी विशेषज्ञ, चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं डॉक्टर संगीता शर्मा, आप फैकल्टी ऑफ संस्कृत हैं जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम हमारे साथ हैं बच्चों, और आपको पता चल गया हमारा आज का टॉपिक। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आए, कोई सवाल आए, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है dth.class10@cit.nic.in। और इन माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने सभी सवालों के साथ, अगर आप जानना चाहते हैं कारक और विभक्ति के बारे में। तो मैम जब तक हमारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, हम आपके पास आते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे ऑफकोर्स कारक और विभक्तियों के बारे में। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि संस्कृत में कितने प्रकार के कारक होते हैं मैम। जैसे कि सभी भाषाओं में बेसिकली कारक होता क्या है और अन्य भाषाओं में होते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कारक क्या होते हैं। जी हाँ हाँ, तो जैसे आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, अगर आप पहली स्लाइड देखते हैं तो ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, मैं भारत में रहता हूँ। तो यहाँ पर जब प्यारे बच्चे देखते हैं कि भारत में जो अंडरलाइन किया गया है, ये विभक्ति का प्रयोग है। और उसी तरह से जब आप अंग्रेजी भाषा में देख रहे होंगे, आई लिव इन इंडिया, और इन इंडिया जो अंडरलाइन है वो अंग्रेजी में कारक और विभक्ति का प्रयोग है। उसी तरीके से आप संस्कृत में देख रहे होंगे भारते और कंदुकेन, भारते मतलब भारत में, तो कारक वो होता है जो क्रिया से संबंध रखता है। क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, वो शब्द कारक कहलाते हैं जिनका साक्षात संबंध जो है वो क्रिया से होता है। जी तो मैम ये तो बात हुई कि कारक क्या होते हैं, हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार के कारक और विभक्तियां होती हैं मैम। देखिए कारक जो हैं संस्कृत में वो होते हैं 6 और विभक्तियां होती हैं 7 और संबोधन को मिलाकर 8। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि कारक 6 होते हैं और जब विभक्तियां होती हैं वो संबोधन को मिलाकर 8 हो जाती हैं? उसका कारण यह है बच्चों कि जो कारक होते हैं ना वो होते हैं जो साक्षात क्रिया से संबंध रखते हैं। तो जब क्रिया से, आप स्क्रीन पर देखिए, जब क्रिया से जो सीधा सीधा संबंध रख रहा है, जैसे यहाँ पर ददाति क्रिया है, तो पूरा वाक्य अगर हम पढ़ते हैं तो वो है, हे बालकाः नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनं ददाति। तो अब धनं ददाति धन को देता है, तो देने की क्रिया है। अब देने की क्रिया से कौन कौन से शब्द जो साक्षात रूप से संबंधित होंगे वो कारक कहलाएंगे। तो कौन से शब्द हैं जो देने से संबंधित है? तो धनं धन को देता है, याचकेभ्य याचक के लिए देता है, स्वहस्तेन अपने हाथ से देता है, कोशात तो मतलब कोश से देता है, स्वभवने अपने भवन में देता है, और कौन देता है? ययाति। यहाँ तक तो ये सारे जो है सीधे सीधे क्रिया से संबंध रखते हैं, लेकिन नृपस्य पुत्र जो है मतलब राजा का पुत्र, इस राजा का जो संबंध है वो देने की क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है, इसीलिए ये जो है वो कारक विभक्ति में नहीं आएगा, कारक में इसका प्रयोग नहीं होगा। और हे बालकः जो शब्द है वो संबोधन है, इसीलिए इसका भी सीधा सीधा जो संबंध है वो देने की क्रिया से नहीं है, इसीलिए इसे भी हम कारक नहीं मानेंगे। तो अगर हम नीचे पढ़ें तो कह ददाति कौन देता है, किम ददाति किसको देता है द्वितीय विभक्ति, केन ददाति किससे देता है तृतीय विभक्ति, केभ्य ददाति किसके लिए देता है चतुर्थी विभक्ति, कस्मात् ददाति किससे देता है ये है आपकी पंचमी विभक्ति, और कुत्र ददाति ये है आपकी सप्तमी विभक्ति, कहाँ पर देता है, किस जगह में देता है। तो कौन देता है? ययाति देता है, तो देने वाले का सीधा संबंध हो गया क्रिया से। धनम ददाति ये भी सीधा संबंध है देने से, हस्तेन ददाति ये भी सीधा संबंध है देने से, उसके बाद याचकेभ्य मतलब कि जो मांगने वाला है उसके लिए जब देने की बात है ये भी ददाति क्रिया से साक्षात संबंध रखता है, कोशात ददाति मतलब कोश से देता है ये भी देने के साथ साक्षात संबंध है, और स्वभवने ददाति मतलब अपने भवन में देता है इसका भी सीधा सीधा संबंध ददाति से। तो इस प्रकार से ये 6 जो हैं वो कारक हुए। अब विभक्ति क्या हुई? विभक्ति होगी जिसमें कि छठी भी आएगी, जैसे नृपस्य पुत्र अगर आप ऊपर देखते हैं तो राजा का बेटा, ये षष्ठी विभक्ति है जो कि कारक में नहीं आती लेकिन विभक्ति में इसको मानते हैं, और हे बालक का संबोधन जो है उसे भी विभक्ति में मानते हैं। संस्कृत की खास बात यह है कि संस्कृत जो है वो श्लेष्टात्मक भाषा है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल देखे थे अंग्रेजी के और हिंदी के, जैसे भारत में और इन इंडिया,
उसमें अलग से आपको विभक्ति के शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संस्कृत में भारते जो ये जो विभक्ति है उसका प्रयोग आपको संस्कृत के शब्द के साथ ही दिखाई दे रहा है। उसका कारण क्या है, संस्कृत भाषा जो है वो श्लिष्टात्मक भाषा है, मतलब चिपके हुए रहते हैं इसमें विभक्ति। तो इसमें क्या है कि संस्कृत भाषा की विभक्तियों में सुप जो प्रत्यय है वो इसके अंतर्गत ही रहता है, इनबिल्ट रहता है। तो वो तो जनरली दसवीं कक्षा तक आते आते हमारे बच्चों को रूप अच्छे से याद हो ही जाते हैं, तो उनके लिए ये समझना सरल होगा। जी तो मैम, ये तो बात हुई कि कितने प्रकार के कारक और विभक्तियां होते हैं, आपने बताया हमें, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या इसके अतिरिक्त भी इनका कुछ प्रयोग होता है? हाँ, बड़ी समस्या आती है बच्चों के सामने ये समझने में कि कौन सी विभक्ति का क्या अर्थ है, मतलब कि को कहाँ लगेगा या फिर साधन कहाँ पर प्रयोग होगा, या फिर मान लीजिए केन अगर प्रयोग हुआ है या हस्तेन प्रयोग हुआ है, ये किस में है। तो इसके समझने का बड़ा सरल सा तरीका है, जो करता होगा वहां पर प्रथमा विभक्ति होगी। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कह, मतलब ययाति जो है वो करता है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। जो भी कर्म होगा, जो ईप्सित होगा कर्ता को, अर्थात कर्ता जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा करेगा, जो क्रिया को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे धनम, धन को। तृतीय विभक्ति वहां आती है जहां पर जो शब्द है वो साधन के तौर पर, क्रिया के लिए साधन के तौर पर जहां शब्द की उपस्थिति होगी वहां पर आएगा तृतीय विभक्ति। जैसे हस्तेन, हाथ से देता है, साधकतम करण, जो सबसे ज्यादा साधकतम है वो करण होगा। चौथी विभक्ति का प्रयोग वहां होता है जहां पर क्रिया का जो प्रयोजन होता है, मतलब किसके लिए ये काम हो रहा है। तो जब भी आप वाक्य को पढ़ें और जब ये देख रहे हो ये काम किसके लिए हो रहा है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति में सामान्य तौर पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में से का ही प्रयोग होता है, जैसे हाथ से देता है और कोश से देता है। तो अब बच्चों को तो पढ़ने में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो इसमें अंतर कैसे पता करेंगे? तो जहां पर शब्द साधन के तौर पर प्रयोग हो वहां पर तृतीय विभक्ति होगी, जहां पर शब्द जो है वो मूल चीज से अलग हो रहा हो, अर्थात कोशात, कोश से, तो कोश जो है उससे धन जो है वो अलग हो रहा है, तो जहां पर कोश से अलग होने की प्रक्रिया, जहां पर भी मूल शब्द जो मेन जो चीज है उससे अलग होने का जहां पर भी भाव आता है, वहां पर आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कस्मात ददाति, किससे देता है, तो जहां से भी दे रहे हैं, अगर आपके पर्स में मान लीजिए 100 रुपए हैं और आपसे कोई पैसे मांगता है, तो जो पर्स से आप पैसे निकालेंगे तो पर्स जो है उससे निकलेंगे ना पैसे, तो जिस जो चीज स्थाई है, जो ध्रुव है, उसमें आएगी पंचमी विभक्ति। तो जो धन है उसमें तो द्वितीय आई, लेकिन क्योंकि कोश से वो धन निकल रहा है इसलिए कोश में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अलग होने के अर्थ में। और सप्तमी विभक्ति बड़ी सरल है, जहां पर मे या पर का भाव होता है, जैसे मेज पर या कक्ष में, कक्षे, इस प्रकार का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर सप्तमी विभक्ति पाई जाती है। जी मैम, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम विभक्तियों की बात करें तो इनका प्रयोग और किस किस अर्थ में होता है मैम? हाँ प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जिस चीज पर चर्चा की वो एक सामान्य चर्चा है, हम दसवीं कक्षा तक आते आते इन सामान्य प्रयोगों को जान जाते हैं, और यहाँ पर इसको बताने का यही उद्देश्य है कि आप इन प्रयोगों को दोबारा से एक बार से रिवीजन कर लें, लेकिन इनका कुछ खास प्रयोग होता है। आइए आज की कक्षा में उसको आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रयोग होता है। स्क्रीन पर देखिए, ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। जैसे किसी भी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिणाम, परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन, पुरुष, लघु, लता, यहाँ पर क्या है, अर्थ का प्रयोग हो रहा है। लिंग पुरुष जो है वो पुल्लिंग में है और लता जो है वो स्त्रीलिंग में है, और उसके बाद जो परिमाण है जैसे लघु मतलब छोटा, उनको बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके अतिरिक्त इति शब्द जो है उसके योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वयम इमम कालिदास इति नामना जानीम, जो कालिदास शब्द है ना उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्योंकि उसके जो बाद है वो इति शब्द जो है वो लगा है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में ऐसे विशेष प्रयोग बहुत सारे हैं। आप बहुत सारे शब्द देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर बच्चों, जैसे अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, उभयतः, उनके हिंदी में अर्थ भी दिए गए हैं। इन सारे शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके अलावा ये विशेष नियम है, जहां पर अधि उपसर्ग हो, और अधि उपसर्ग तो सभी बच्चे जानते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, तो उपसर्ग के बाद जो धातु का प्रयोग होता है, कौन सी धातु, शींग धातु, स्था धातु, आस धातु, वस धातु,
इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, अब चौथा उदाहरण देखिए, मुनि ही वनम अधिवसती। तो यहाँ पर जो अधिवसती है उसमें अधि उपसर्ग है और वस धातु है। अगर इसको सामान्य हिंदी भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये सुनने में लगेगा मुनि वन में निवास करता है ना, लेकिन जो मुनि है अगर वन में निवास करता है तो सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि अभी अभी तो आपने बताया था में पर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पर यह विशेष नियम है अधि उपसर्ग और वस धातु जहां पर आएगा वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा ही होगा। तो ये कुछ एक सामान्य चीजें हैं अगर जिन्हें बार बार देखा जाए तो वो आसानी से स्मरण होती हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या इसके नियम हैं जी। ये एक नियम है जो कहता है व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। व्यवधान रहित मतलब किसी भी प्रकार का कोई अवधान नहीं होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में काल को बताने वाला शब्द हो या फिर मार्ग को बताने वाला अगर भाव है वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे इसके लिए बहुत सारी एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है छात्र द्वादश वर्षाणी अपठत, जो छात्र है उसने 12 साल तक वो पढ़ा। अब यहाँ पर खास बात यह है कि जब वो जो पढ़ रहा है इसमें निरंतरता का बोध है, मतलब वो अभी भी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो 12 साल तक पढ़ा और आगे उसका पढ़ाई नहीं होगी। ये व्यवधान रहित जो है वो कालवाची शब्द है, कालवाची मतलब 12 साल को बता रहा है ना। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कभी भी जब व्यवधान साथ में, अभी तो ये तो व्यवधान से बिना है, लेकिन अगर व्यवधान हो मतलब 12 साल तक ही पढ़ा उसके बाद नहीं पढ़ा, अगर ऐसा प्रयोग होगा तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सारा ये बिल्कुल सरल सी बात है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर व्यवधान रहित बात है अर्थात किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अंतर्गत। और अगर पढ़ाई वहीं तक है, 12 साल तक ही है, 7 दिनों तक ही आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई की मान लीजिए, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको बोलते हैं अकथितम च। यहाँ पर सूत्र नहीं दिया गया है। ये क्या होता है कि कुछ एक ये धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती ही होती है। कौन सी धातुएं हैं? दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच चीब्रू शास जी मत मुष नी ह्री कृष और वह। ये जो धातुएं हैं ना, इनके प्रयोग में चाहे आपको अपादान इत्यादि कारक दिख भी रहे हो, अपादान मतलब पंचमी अगर आपको दिख रही है, तभी भी इस धातु के कारण, इन धातु के प्रयोग होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए इसका उदाहरण भी देखते हैं। जैसे दोह धातु का प्रयोग है राधा गाम पय दोग्धि। जो राधा है ना वो गाय से दूध को दोती है। अब गाय से दोती है तो यहाँ पर तो आपको आना चाहिए था पंचमी विभक्ति, क्योंकि दूध जो है वो गाय से अलग हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक आना चाहिए था। पर यहाँ गाय में द्वितीय विभक्ति क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर जो दोह धातु है उसके योग में गाम जो गाय है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार से आगे भी आप देखेंगे याच धातु के अंतर्गत पुत्री मातरम धनम याचते या फिर सह तंडुलान उदनम पचती, इस प्रकार का प्रयोग है। ऐसा और भी बाकी सारी धातुओं के उदाहरण हैं जिनको हम छोड़ रहे हैं और आगे देख रहे हैं तृतीय विभक्ति को। ये तृतीय विभक्ति के विशेष नियम है, ये इन शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता ही होता है। वो कौन से शब्द हैं? सह सार्धम सदृशम समम समह अलम विना। ये जो सारे शब्द हैं ना, इन शब्दों के साथ आपको तृतीय विभक्ति लगानी होती है। जैसे कभी बहुत बहस चल रही हो और संस्कृत में आपको बोलना हो कि भाई बस बंद करो बहुत हो गया, तो आप बोलेंगे अलम विवादे ना। दूसरे नंबर पर जो है अलम विवादेन, अभी विवाद मत कीजिए समाप्त कीजिए। तो इसमें जो विवादेन में तृतीय विभक्ति है वो अलम शब्द के योग में आया है। उसी प्रकार से जो विना शब्द आप देख रहे हैं उसमें उसी के योग में रामेण में जो है तृतीय विभक्ति आई है। रामेण विना सीता दुखिता भवत, राम के बिना सीता दुखी हुई। तो इस प्रकार से विना शब्द जो है उसके योग में तृतीय विभक्ति आई। उसके अलावा ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण और विशेष नियम है। जब किसी अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो, मतलब किसी अंगी के अंग में, मतलब शरीर का कोई अंग में आपको बताना हो विकार हो, उस अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब जिसमें किसी प्रकार का विकार है उसमें तृतीय विभक्ति होगी। जैसे देवदत्त नेत्रेण काण अस्ति, देवदत्त जो है वो नेत्र से काणा है, तो नेत्र से काणा है तो नेत्रेण काण। तो यहाँ पर क्योंकि नेत्र में काण रूपी विकार है, काना होने का विकार है, इसलिए यहाँ पर नेत्र में तृतीय विभक्ति आई। अगला जो नियम है वो है फल की प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है।
ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको तृतीया विभक्ति में बताया था, जो व्यवधान रहित शब्द की बात करता है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये निरंतरता का बोध बता रहे हैं। जैसे बालः सप्तभिः दिवसैः निरोगः जातः, ये दूसरा उदाहरण है। या फिर पहला उदाहरण है, रामः सप्ताहेन पुस्तकं समाप्तवान। जो राम है ना, उसने सप्ताह में ही पुस्तक को समाप्त कर दिया। अब तो सप्ताह में सुनने में तो क्या लग रहा है, सप्तमी विभक्ति लग रही है, पर क्योंकि उसने टाइम बाउंड में समाप्त कर दिया, यहाँ पर उसकी जो निरंतरता है वो हो गई, कार्य जो है वो पूर्ण हो गया। जहां पर कार्य की पूर्णता का अर्थ आएगा वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा कालवाची शब्दों में। आगे देखते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति जैसे मैंने अभी बताया था, के लिए जो प्रयोजक होता है उसके लिए प्रयोग होती है। यहाँ पर एक तो दा धातु जो जब भी कभी भी प्रयोग होगी वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, दा धातु या उसके अर्थ में। जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, या राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, तो बड़ा सरल है, राजा जो है वो भिक्षुक के लिए वस्त्रों को देता है, तो जिसके लिए दिया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो भिक्षुक के लिए वस्त्रों को दिया जा रहा है, इसलिए भिक्षुक में आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। उसके अलावा ये कुछ शब्द हैं, जैसे कुछ धातुएं हैं, जैसे रुच है अच्छा लगना, या क्रुद है क्रोध करना। तो ये रुच धातु का प्रयोग बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो बालकाय मोदकम रोचते, बालक जो है उसके लिए मोदकम लड्डू जो है वो उनको वो पसंद करता है, उनको वो अच्छी लगती है। तो अब जिसको भी अच्छी लग रही है उसमें आएगी चतुर्थी विभक्ति, लड्डू में नहीं आएगी, ये जो भी जिसको पसंद आ रहा है। तो बालकाय पठनम रोचते, बालक जो है वो पढ़ने को पसंद करता है। तो जो भी पसंद कर रहा है या जो भी गुस्सा कर रहा है, जिसके ऊपर गुस्सा किया जा रहा है, उसके उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी जो है वो सेवक के लिए क्रोध करता है, मतलब सेवक पर क्रोध करता है, ऐसा हम हिंदी में बोलेंगे। पर क्योंकि सेवक के लिए क्रोध किया जा रहा है और क्रुद्ध धातु का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए आगे देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे धातुएं हैं जिनके योग में पक्का पक्का आपको चतुर्थी विभक्ति मिलती है। जैसे कुप है, वो भी क्रोध करने के अर्थ में, ध्रुव है, वो भी द्रोह गुस्साई करने के अर्थ में, स्प्रेह चाहने के अर्थ में, ईर्ष्य ये भी नेगेटिव फीलिंग हो गई, असूय निंदा करना ये भी नेगेटिव फीलिंग हो गई, नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा इस प्रकार से, निवेद ये सारी चीजें हुई। इसमें खास बात ये है रेणु जी कि हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, तो शिव को नमस्कार करता हूँ तो दूसरी विभक्ति आनी चाहिए ना, तो शिवाय क्यों आती है, चतुर्थी विभक्ति क्यों आती है, उसका जो कारण है वो हमारा ये जो सूत्र है कि नमः शब्द के योग में चौथी विभक्ति का प्रयोग होता ही होता है। इसीलिए जो शिवाय शब्द है उसमें आपको चौथी विभक्ति मिलती है, ना कि दूसरी जी। तो नम धातु के कारण। आइए आगे स्क्रीन पर देखें, पंचमी विभक्ति के बारे में जानते हैं। जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। नियम पूर्वक पढ़ना क्या होता है, जैसे हमारे प्यारे बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं नियम से पढ़ना। अहम गुरोः संस्कृतम पठामि, ये नियम से आप गुरु से संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसलिए आपकी पंचमी विभक्ति गुरु में आई। और उसके अलावा जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। तो जब उत्पन्न कोई चीज होती है तो वो चीज उस चीज से अलग होती है ना, मूल चीज से अलग होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलती है तो मतलब हिमालय से वो निकल कर बाहर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब वो हिमालय से अलग हो रही है। अब अलग मतलब ऐसा नहीं है कि दो भागों में बट गई, लेकिन गंगा का जो अस्तित्व है वो तो बाहर ही समझ में आता है ना, तो इसीलिए गंगा हिमालयात प्रभवती, यहाँ पर क्योंकि अलग होने या उत्पन्न होने का भाव है इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। उसके अलावा जब कोई वस्तु किसी से अलग हो रही हो उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, उत्पन्न होने के और अलग होने दोनों के में। उसके अतिरिक्त भी त्रा त्रस इन धातुओं के योग में जो कि भय का हेतु है, भय का कारण है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामः पापात् विभेति, राम जो है वो पाप से डरता है, या रक्षकः चोरात्रायते, इस प्रकार का ये यहाँ पर उदाहरण है। इसके अलावा ये सारे अव्यय हैं इनके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है, जैसे ऋते है, प्रभृति है, पृथक है, इस प्रकार से ये बहुत सारे अव्यय हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति होती ही है। आइए षष्ठी विभक्ति को देख लेते हैं। षष्ठी विभक्ति विभक्ति होती है लेकिन कारक नहीं होता है। कृते हेतु समक्ष और मध्य इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकस्य कृते जलम आनय,
बालक के लिए जो जल है ना वो लेकर आइए, तो बालक के लिए सुनने में लग रहा है तो चतुर्थी लग रही है, लेकिन क्योंकि कृते शब्द का प्रयोग है इसीलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बाकी उदाहरणों को भी समझिए। आगे भी अंतः दूरम अनादरम इस प्रकार के शब्द हैं, और आगे एक उदाहरण बोलता है कि अनेक को अनेक में एक का निश्चय करने में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। जब आपको बहुत सारी चीजों में एक बेस्ट चीज बतानी होती है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है और सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे सोहन वीराणाम और या फिर वीरेशु व महावीर अस्ति, या फिर कविनाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठ। तो यहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग भी देख रहे हैं और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का भी प्रयोग देख रहे हैं। उसके अतिरिक्त अधः ऊपरी पुरः इन सभी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए सप्तमी विभक्ति आखिरी है, इसे और देख लेते हैं जी। जिसके सारे अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे तिलों में तेल है, सारे तिलों में तेल होता है ना, तिलेषु तैलम, और जहां पर कर्ता की कोई इच्छा होती है वहां पर भी सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे रामस्य पठने अनुराग अस्ति, राम का पढ़ने में अनुराग है, या फिर जहां पर एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है वहां पर भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया, तो इसी स्थिति में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निमित्त के अर्थ में जहां पर कारण बनता है वहां पर भी, और प्रवीण और चतुर का जब जहां पर अर्थ आएगा या भाव आएगा या शब्द आएगा वहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल चतुर का देखिए, रमा वार्तालापे चतुरा, रमा जो है वो वार्तालाप में चतुर है, या रामह पठने चतुरा, ऐसा। तो इस प्रकार से ये हमारी सारी विभक्तियां हुई। ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं जो मैं आपको एक मिनट में बच्चों को समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाएगा, एक मिनट लगेगा। कैसे, जैसे ये बताते हैं कि पूछ रहे हैं कि विभक्ति बताइए और उसका कारण भी बताइए, तो पहले में बता दिया कि अलम जो है उसके योग में तृतीया आई। अगर दूसरे शब्द को आप देखेंगे तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, क्यों आया, क्योंकि उपविश जो धातु है उसका प्रयोग है। तीसरे में जो है वो माम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आया, अंडरलाइन जो शब्द है, क्योंकि धिंग का प्रयोग, धिक शब्द का प्रयोग है। सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि अधिआस अध्यास्ताम जो शब्द है ना उसमें जो है उसके कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आया है। इस प्रकार से इन विशेष नियमों से आप समझ सकते हैं कि कौन सी विभक्ति का कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है जी। तो बच्चों ये तो बात रही कारक और विभक्तियों की, और आपको मैम ने बहुत ही एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से आपको इन्हें इस्तेमाल करना है और किन किन अर्थों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम समय हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, लेकिन डॉक्टर संगीता हम आपको मैम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे 10th क्लास के बच्चों के लिए आपने संस्कृत में कारक और विभक्ति पर इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों हम अभी इस सत्र को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे। आप बस बने रहिए PM ई विद्या चैनल पर। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत, नमस्कार।